और जैसे कि आप देख चुके हैं, आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो है महाकालेश्वर उज्जैन का। तो मैं निकली थी महाकालेश्वर के लिए वलसाड़ से। वलसाड़ से मैं बैठी थी अवंतिका एक्सप्रेस में जो आती है 11:30 के करीब वलसाड़। ये देखिए मेरा मिडल बर्थ था, तो मैं जैसे ही ट्रेन आई मैं सो के चली गई एंड सुबह अराउंड 7 or 7:30 पहुँची थी स्टेशन। आपको बता दूँ M2 डब्बा नया ऐड किया गया है, मैं वो कोच में थी, 3E करके रिजर्वेशन किया था। हाय फ्रेंड्स, हम वशी और थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है। तो आज मैं उज्जैन, इस वीकेंड मेरा प्लान बन गया उज्जैन का। तो ज़रा है, तो अभी तो मैं जस्ट ट्रेन से उतरी हूँ। मैं रात को वलसाड़ से उज्जैन के लिए ट्रेन में बैठी थी फ्रेंड्स। ट्रेन का नाम था अवंतिका एक्सप्रेस एंड ये करीबन आधा घंटा लेट हुई है। 7:30 का टाइम था पर पहुंचाई है 8 बजे। 8 बजे अभी मैं स्टेशन मतलब उतरी हुई हूँ। अब देखती हूँ कहाँ बाहर जा रही हूँ मैं। महाकालेश्वर पहले जाना है, तो मैं स्टेज ढूंढूंगी कि महाकालेश्वर के पास ही मिल जाए, ताकि मुझे वापस से भी अदर दर्शन करना है। जैसे कि बस में आरती काफ़ी फेमस है, वैसे मैं इतने फेवर में नहीं हूँ कि मैं अटेंड करूँगी वो आरती, मेरे लिए मंदिर में दर्शन ही काफ़ी है। बट देखते हैं, नज़दीक ही रहूँगी ताकि मैं अगर मन किया तो मैं सुबह उठ के जा पाऊँ। बाहर निकल के मैं ई रिक्शा करती हूँ। नॉर्मल रिक्शा भी है, ई रिक्शा भी है। ई रिक्शा ज़्यादा दिखे और मुझे लगा जल्दी निकल जाएगा, तो इसीलिए मैंने ई रिक्शा की। एक कपल बैठा हुआ था, ये देखिए ये मैं बैठी हूँ, मेरे सामने एक कपल बैठा हुआ था। तो मतलब इस तरह से स्पेशल रिक्शा नहीं था, तो मुझे कुछ 20 रुपीज़ पे करने पड़े थे इस रिक्शा वाले को। ये देखिए हम लोग निकल गए एंड मैंने मेरे भाई को बोला कि महाकालेश्वर टेम्पल के पास उतारो। फिर उसके बाद वो कपल को हार्दिक जी टेम्पल जाना था, तो वो लोग बोले हमको तो वहीं जाना है। और वो भाई मुझे पूछा कि आपको कहाँ मंदिर आ गया, तो मैं बोली कि रहने के लिए आसपास कोई जगह हो वहाँ उतारिए। एंड उसमें उसको जो समझ आया वो होटल के पास उतारा एंड मैं फिर वहीं पूछ के वहीं स्टे कर ली। अराउंड 1 से था मतलब पर्दे का, वहीं स्टे कर लिया। ये देखिए, देखे तो एकदम लाइक मुझे ज़रा इतना फील नहीं हुआ कि गुजरात से कुछ ज़्यादा अलग है। हाँ, ई रिक्शा हमारे यहाँ इतना नहीं है, मतलब लाइक है ही नहीं बोले। हाय फ्रेंड्स, तो मैं पहुँच गई फाइनली उज्जैन। मैंने उज्जैन रेलवे स्टेशन से लास्ट जो ब्लॉग कैसा वो किया था। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुँच गई हूँ रूम में उज्जैन में। एंड हमेशा की तरह वैसे मैं प्री प्लान ऐसे कुछ बुक करके नहीं जाती हूँ। एंड आपको याद होगा, अगर सोमनाथ का वीडियो देखा हो तो सोमनाथ भी मैं, सोमनाथ जाने के बाद रिक्शा वाला जहाँ लेके गया वो होटल में मैंने रूम बुक कर लिया। वैसे ही यहाँ पे भी हुआ, मैंने भाई को बोला कि मतलब महाकालेश्वर के आसपास कोई रूम दिखा दीजिए, तो उसने दिखाया एंड मैंने फाइनल कर दिया ठीक है एक दिन के लिए स्टे के लिए। एंड ये मेरा बजट वाला ट्रिप है। अब सोची हूँ बजट ट्रिप भी चालू करती हूँ ताकि कम खर्चे में ज़्यादा प्लेसेस घूम पाऊँ। तो इसीलिए आज का मेरा स्टे 1K का ही है एंड ठीक है, बेसिक अमेनिटीज सारी है। इनफैक्ट ये देखिए ये टीवी पता नहीं चालू भी है या नहीं, पर ठीक है मुझे लगता है मैं वैसे भी कौन सा टीवी देखने वाली हूँ। AC भी है रूम में, विंडो है मेन, वो मुझे ठीक लगा क्योंकि मुझे सफोकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी ना, तो बंद में घुटन होता है, तो इसीलिए उस हिसाब से सही है। एंड देन गीज़र भी है अपने पास, मिरर है, छोटा सा है पर चला लूँगी, कौन सा मुझे अपने आप को पूरा देखना है। एंड देन वॉशरूम भी दिखाती हूँ, ठीक है। तो 1K में आई गेस कुछ बुरा नहीं है मेरे ख्याल से।
तो अगर आप उज्जैन आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बुक करके आने की ज़रूरत है। भीड़ तो वैसे काफ़ी थी स्टेशन पर मतलब स्टे के लिए आपका आपके पास ऑप्शन है, आपको कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है। काफ़ी लोग रेलवे स्टेशन के पास भी रुक रहे थे, मैं सोची कि नज़दीक ही रुकती हूँ ताकि मुझे अगर ऐसा मन किया कि सुबह की भस्म आरती सुबह दर्शन करना है वापस तो मैं वापस जा पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर ही बुक की। अब कल जाऊँगी ओमकारेश्वर तो मैंने इसीलिए एक ही दिन का स्टे यहाँ पर बुक किया है। फिर ओमकारेश्वर जाऊंगी तब देखूंगी, वैसे ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं क्योंकि शाम की फिर वापस मेरी ट्रेन रहेगी वलसाड के लिए। तो चलिए अब मैं नहा लेती हूँ एंड नहा के फिर निकलती हूँ दर्शन करने के लिए। जी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्टे किया था श्री लक्ष्मी गेस्ट हाउस पर, आप पहले देख लीजिएगा यात्री निवास करके बहुत सारी जगह मिलेगी, वहाँ इससे सुंदर स्टे मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ टेंपल जाने के लिए। अब सोचा तो था साड़ी पहनूंगी पर कितना समय खड़ा रहना पड़े कितना नहीं, ऊपर से मेरे पास जो साड़ी पड़ी हुई थी वो भी सब ऐसा मुझे नहीं लगता है मंदिर में पहनना चाहिए लाइक नेट वाली साड़ीज, तो इसीलिए फिर ड्रेसेस मेरे पास ज़्यादा है नहीं, तो इसीलिए मैंने कुर्ती और लेगिंग्स पहना है। तो अब मैं जा रही हूँ महाकालेश्वर जो कि यहाँ से दिखा रहा है 550 मीटर ओनली अवे, तो मैं चल के पहुँच जाऊँगी। देखती हूँ कितना लाइन है वहाँ पे, वहाँ जाके लाइव भी जाना है मुझे एंड दर्शन भी करना है, पर दर्शन करने के बाद ही कुछ खाना है। तो चलिए अब महाकालेश्वर चलते हैं। तो ये मैं निकलती हूँ फ्रेंड्स, और मुझे मतलब रास्ता याद रहे इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि मैं भटक ना जाऊँ आते वक्त, मुझे नज़दीक ये सब दिख जाए। तो यहाँ से करीबन 2-3 मिनट का रास्ता है, ये देखिए ये आकाश करके जो था उधर से, फिर ये जो गली जा रही है फिर ये गली, ऐसा करके बहुत नज़दीक में था मंदिर। पर हाँ, रास्ते में मुझे कोई यात्री निवास दिखा जो स्टे करने के लिए मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा, आई डोंट नो अबाउट प्राइस, पर थोड़ा मैं रिसर्च करती तो शायद मैं इससे अच्छी जगह। मैंने पूजा का सामान लिया, मैं मंदिर के लिए ये पूजा का सामान लेती हूँ, चप्पल वहीं पे दे दी सब मिला के एंड निकलती हूँ महाकालेश्वर टेंपल के लिए। ये देखिए ये मैं रास्ते में हूँ, काफ़ी दुकानें थी, सबसे पहले दिखता है ये बड़ा गणेश मंदिर। अब बाहर से ही मैं सोचती हूँ भीड़ भी थोड़ी लगी तो, और फिर मुझे लगा महाकालेश्वर में भीड़ बढ़ जाएगी, इसीलिए मैं फिर सोची कि यहाँ पे आने के बाद दर्शन करूँगी, ऐसे बाहर से दर्शन करूँगी, उसके बाद मैं जा रही हूँ महाकालेश्वर टेंपल की तरफ। तो उधर देखती हूँ मोबाइल को जमा करना है करके, तो मोबाइल जमा उस केस में करना है जिस केस में आप शीघ्र दर्शन करते हैं। अभी लॉजिक तो मेरी समझ में तो नहीं आया, प्लस मैं अपना कैमरा और एक मोबाइल जमा करके गई पर एक लेके गई, और सब लोग ऐसा ही करते हैं। ये देखिए शीघ्र दर्शन, शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपीज़ का टिकट कटेगा आपका, पर हाँ उससे फ़र्क तो पड़ता है। मैंने देखा कि शीघ्र दर्शन में आप तुरंत तुरंत आप चले जाएंगे, मुझे मोबाइल हार्डली मोबाइल जमा करना पड़ेगा 15 से 20 मिनट बस लगे होंगे लाइन में, वरना मेरा दर्शन हो गया। और टेंपल प्रमाइसेस में आप नहीं यूज़ कर सकते मोबाइल, पर बाहर सब लोग मज़े से फ़ोटो खींच रहे वीडियो ले रहे। तो ये बाहर आ गई मैं दर्शन करने के बाद, उसके बाद का ये मेरा रिकॉर्डिंग है फ्रेंड्स। ये महाकालेश्वर टेंपल जो है ये उज्जैन में शिप्रा नदी के पास आया हुआ है, एंड अगर आप विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो उसमें आता है कि ये जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, एंड यहाँ आने का अपना अलग ही महत्व है। एंड आपको बता दूँ वीआईपी दर्शन जो है वो इसी टेंपल में अवेलेबल था,
बाकी काल भैरव में मुझे याद है मैं लगभग 2 घंटा लाइन में खड़ी रही, उसके बाद मुझे दर्शन हुआ और उसमें भी 2 या 3 सेकंड भी नहीं खड़े रहने दिया, चलो चलो आगे जाओ कर कर के निकालते रहे, बस जितना लाइन में खड़े रहे उतना समय दर्शन तक नहीं करने दिया कुछ समय। तो आपका जो दर्शन है वो यहाँ पे सबसे अच्छा होगा, जलाभिषेक भी करना चाहे तो यहाँ पे इजी रहेगा, क्योंकि ओमकारेश्वर में भी बहुत लाइन है मैंने देखा। एंड ओमकारेश्वर में भी मैं गई थी, मतलब लाइक दर्शन तो नहीं हो पाया पर मैं वहाँ पे भी लाइन में खड़ी रही, काफ़ी खड़ा रहना पड़ा एंड वीआईपी दर्शन नहीं था अवेलेबल। तो आपको जो अगर जल अभिषेक वगैरह करना है तो महाकालेश्वर में करिए, बाकी भस्म आरती भी फेमस है पर मैं तो शुरू से मतलब इस फेवर में नहीं थी कि मुझे भस्म आरती देखनी ही है, क्योंकि एक तो मिडनाइट को देखना होता है एंड ऊपर से मेरे हिसाब से तो दर्शन करना इनफ था, तो मैं इसीलिए फिर भस्म आरती के लिए इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। इसके बाद बाहर निकलते हुए ये आपको ये रास्ता दिखेगा जिसमें ये शंकर भगवान की एक बड़ी सी मूर्ति बनाई हुई है, देखिए तो इसके साथ ये स्टैचू के साथ फ़ोटोज़ वीडियोस ले सकते हैं। फ्रेंड्स महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो शिप्रा रिवर के तट पे आया हुआ है और कहा जाता है कि महाकाल का शिवलिंग स्वयंभू है, मतलब कि स्वयं से उत्पन्न हुआ, जो स्वयं के भीतर से शक्ति की धाराएं प्राप्त करता है, जबकि अन्य जो भी शिवलिंग है वो अनुष्ठानिक रूप से स्थापित और मंत्र शक्ति के साथ निवेशित है। लौटते वक्त बड़े गणेश के मंदिर भी ज़रूर जाइएगा, काफ़ी बड़ा गणेश जी का मंदिर है। एंड हाँ यहाँ पे भी अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो इसीलिए बाहर से ही दिखाया मैंने, एंड देन फिर मैं वापस लौटते वक्त ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ। साथ ही मैंने एक जगह पे हाथ दिखाया वो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। फ्रेंड्स आखिर में लौटते वक्त मैं ये जो नज़दीक में मुझे तालाब दिखा तो यहाँ पे भी मैं आ गई, हालांकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, एक चित्रकार चित्र बना रहा था बस, और फिर मैं यहाँ पे तस्वीरें एंड वीडियो लेती हुई। तो सुबह सुबह आए या फिर धूप में आए तब भी आप यहाँ पे ज़रूर से शांति पा सकते हैं, बैठने के लिए अच्छी जगह है। तो अगर आप रूम से बाहर निकल के कहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर से आ सकते हैं। अंत में मैं खाना खाने जाती हूँ, जो 100 रुपये की थाली थी 20 रुपये का पानी ही था पर ठीक ठाक था, इतना खास नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फॉर वॉचिंग मी बाय। अगला वीडियो ज़रूर से देखिएगा कि मैंने हाथ दिखाया तो उसके बाद क्या हुआ।